नमस्कार, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई में, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिणी भाग में 1,300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल हैं। क्षेत्रफल में यह यूरोप के बराबर और भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी अधिक है। यह विश्व के 8% स्थलीय भाग को घेरे हुए है और 11 देशों में यह मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा नाम अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। सहारा मरुस्थल 92,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ दिन और रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। दिन का तापमान कभी 56 डिग्री सेल्सियस तो रात में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन हालातों में यहाँ जीवन जीना किसी चुनौती से कम नहीं है। जीवन चलती रहने के लिए यहाँ कहीं कहीं कुएं, नदियां तथा झरने भी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। सहारा में जीवन व्यतीत करना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर कई कई साल तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, क्योंकि सहारा के उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से आने वाली नम पवनों को नीचे तक आने नहीं देती और यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, अर्थात यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। 19 दिसंबर 2016 को 37 सालों बाद यहाँ बर्फबारी हुई थी और वैसे यहाँ चारों ओर गर्म हवाओं के झोंके, झुलसा देने वाली गर्मी और दूर दूर तक गर्म रेत के टीले दिखाई देते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी 500 प्रकार के जीव जंतु तथा 1,000 पेड़ों की प्रजातियां अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते देखे जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट यहाँ के निवासियों का सबसे बड़ा सहारा है। बर्फबारी से यहाँ एक नदी का निर्माण भी हुआ, गुएल्टा डी आर्ची। जानवर इसी नदी का पानी पीकर जीवित रहते हैं। सहारा मरुस्थल हमेशा से मरुस्थल नहीं था। माना जाता है लगभग 6,000 साल पहले सहारा में हरियाली हुआ करती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण अक्षीय झुकाव के परिणाम स्वरूप यह एक गर्म मरुस्थल में बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 15,000 वर्ष बाद यह फिर से हरा भरा हो जाएगा और यहाँ पर भी खूब वर्षा होगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी सहारा मरुस्थल के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।